भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट की सीरीज खेल रही है। दरअसल शुरुआती 2 टेस्ट के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट 11 जनवरी से कैप टाउन में खेला जाएगा। दरअसल दोनों टीमों में से जो भी ये टेस्ट जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को पूरा यकीन है कि कैप टाउन टेस्ट में भारतीय टीम ही जीत का परपंच लहराएगी। इसी के साथ साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच देंगे। वहीं दिनेश कार्तिक ने एक बातचीत के दौरान कहा कि वास्तव में मेरा मानना है कि भारतीय टीम जीत की पूरी दावेदार है। इसके कई कारण भी है। मैं ये भी जानता हूं कि एशियन टीम ने अब तक साउथ अफ्रीका को केप टाउन में हराया नहीं है। मेरे साथ भी 2007 दौरे के साथ कुछ खराब यादें जुड़ी हुई है। दरअसल भारतीय टीम जीत की पूरी दावेदार है क्योंकि उसकी बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज फिट नहीं दिख रहे, उनकी गेंदबाजी में कुछ समस्या दिख रही है। उम्मीद है कि वो तीसरे टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह ईशांत शर्मा या उमेश यादव में से किसी एक को मौका मिलना चाहिए। वहीं कार्तिक ने आगे कहा, यदि भारतीय टीम अपने फुल फॉर्म में रहती है तो उसमें 400 से ज्यादा रन बनाने की ताकत भी है। मैं ये भी मानता हूं कि साउथ अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी थोड़ी हल्की हुई है, खासकर तब जब क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ले लिया है। एक बार जब टेम्पा बउमा आउट हो जाते हैं तो उनके बाद सिर्फ मार्को जेंसन ही आते हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बेहद हल्की हो जाती है। खैर दोस्तों, कार्तिक के बयान को लेकर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।